हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे हम, चार क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं जो आपको अपने काउंसलर से पूछने ही पूछने हैं बिफोर एक्चुअली फाइनलाइजिंग और इनरोलिंग इन योर यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम। एंड हमने रिसेंटली एक वीडियो भी रिलीज करी थी जिसमें हमने हिडन चार्जेस के बारे में बात करी थी, जो कि ऑनलाइन डिग्रीज में अगर आप इनरोल करा रहे हैं तो कौन कौन से चार्जेस हैं जो मैक्सिमम केसेस में आपको पे करने पड़ते हैं। तो बेटर कि आप उसको पहले से ही क्लैरिफाई रखें। और हम इसको स्टार्ट करने से पहले, एज ऑलवेज, व्हाट्सएप का जो मेरा लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो कुछ मिस आउट हो जाता है आपका, कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है, सो यू कैन रीच आउट टू मी देयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी तक हम थर्ड पार्टी के थ्रू इनरोल कराने से हमेशा डरते हैं, हमें लगता है कि ये कोई थर्ड पार्टी हमको कॉल कर रहा है, पर उसकी वजह से कई बार हम एक अच्छे डिस्काउंट्स या फिर कुछ बढ़िया डील्स मिस आउट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूं जो नॉर्मली इसके बारे में बात नहीं की जाती। अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन डिग्रीज में बहुत ज्यादा सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज में, 8-8, 10-10 हज़ार एडमिशन होना बहुत ही आम बात है इस सीजन में। और आपको पता है यूनिवर्सिटीज के पास इतना ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होता जो 8,000-10,000 एडमिशंस का सेल को देख सकें। तो ये एक ट्रेंड है, ये एक्चुअली हर जगह ही होता है, जिसके एग्रीगेटर्स हम बोल सकते हैं, जिसको थर्ड पार्टी हम बोल सकते हैं, पर ये धीरे धीरे इतने बढ़ चुके हैं कि इनसे घबराने की बात नहीं। जैसे अमेजोन के थ्रू अब आप प्रोडक्ट मंगाना ज्यादा पसंद करते होंगे रेदर देन द इंडिविजुअल थिंग। ईज भी है और हमें पता है अमेजोन का टर्न ओवर कई गुना बढ़ चुका है। अगर हम अपग्रेड वगैरह का भी बिजनेस मॉडल देखें तो शायद इसी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये, एज लॉन्ग एज आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी कॉल या थर्ड पार्टी के जरिए से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये गलत डिस्काउंट दे रहे हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो या तो सभी थर्ड पार्टी है या फिर सभी यूनिवर्सिटी में है, ये आपको मानकर चलना होगा। बस आपको डील मेन जो ऑथेंटिक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की उसी के थ्रू करना होगा। सेकंडली अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, कई बार स्टूडेंट इसके बारे में पूछते ही नहीं है कि आपको पता नहीं है आपके बैकग्राउंड की वजह से, यानी अगर आपका कोई इमीडिएट ब्लड रिलेटिव आर्मी में है, डिफेंस में है, तो उसकी डिस्काउंट स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, अगर हम ये भी देखते हैं कई बार कि अगर आपने परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में अच्छी, 12th में अच्छी, अगर आप यूजी प्रोग्राम में ले रहे हैं एडमिशन, तो उस टाइम पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, जो ये वाला पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट मैं आपको रेज करना चाहती हूँ, प्लेसमेंट के बारे में आप सब लोग हमेशा पूछते होंगे अपने काउंसलर से, क्योंकि मुझे भी इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी प्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है आपको। आप जो मर्जी पूछ लेंगे, आपको कभी कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगी, और अगर मिली है तो एक व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता हुआ मैसेज हो सकता है, और इसके बारे में वेबसाइट पे आपको बहुत क्लियरली मिले ऐसा चांसेस कम है। तो जब तक वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी आपको कुछ क्लेम नहीं कर रही है, आपको कोई प्रोसेस नहीं बता रही है प्लेसमेंट की, तब तक आपको इस ट्रैप में नहीं आना है, ना ब्लाइंडली फॉलो करना है कि अब तो मैं 2 साल तक आराम से अपनी डिग्री जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते घर पे आराम करेंगे और उसके बाद ये जॉब तो यूनिवर्सिटी दिलाई देगी, तो बहुत ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने देखा स्टूडेंट्स ना बड़ा झिझकते हैं कंपेरिजन के क्वेश्चन पूछने को लेकर, वो बहुत ज्यादा झिझकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके माइंड में हो सकता है इस यूनिवर्सिटी के अलावा 1 या 2 यूनिवर्सिटीज और माइंड में चल रही है, पर आपको क्या लगेगा अगर मैंने सामने वाले यूनिवर्सिटी से पूछा कि हाउ डू यू कंपेयर योर सेल्फ विद दिस यूनिवर्सिटी और दैट यूनिवर्सिटी, तो वो तो जी अपना अच्छा प्रोग्राम है तो अपना अच्छा प्रोग्राम सेल करेंगे ही करेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है कि आपको ये जरूर पता है कि जिसका जो प्रोग्राम है वो आपको सेल करेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही ना पूछने से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दे, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत बड़ी नहीं है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। तो अगर आप चाहेंगे बात करेंगे तो हो सकता है आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में ही, जो आपके लिए फर्दर फाइनलाइज करने के लिए बहुत जरूरी हो। तो इस क्वेश्चन को पूछने से झिझकिए मत, आप आराम से कंपैरिजन करवा सकते हैं अपने ही काउंसलर से दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब हम बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का, बहुत सारे स्टूडेंट को ना पता ही नहीं होता है कि उनको ट्रोली नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है या हाफ नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है। क्योंकि जब आप ईएमआई लेते हैं ना तो 2 तरीके के चार्जेस लगते हैं, एक होता है इंटरेस्ट जो 7%, 8%, 9% सालाना के आसपास होता है, और एक होता है प्रोसेसिंग फी जो 2% प्लस जीएसटी होती है। तो जब कोई नो कॉस्ट ईएमआई की बात करे तो आपको कंफर्म करना है क्या ये ट्रूली नो कॉस्ट ईएमआई है, मतलब नो इंटरेस्ट एंड नो प्रोसेसिंग फी, या सिर्फ प्रोसेसिंग फी या फिर इंटरेस्ट, ये बात को आपको क्लैरिटी लेके चलना है। और अगर आपके पास ट्रूली नो कॉस्ट ईएमआई है तो मुझे तो लगता है कि देयर इज नो हार्म इन टेकिंग नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन, व्हाई टू अननेसेसरी अरेंज फंड्स एंड पे इन लमसम, बेटर टू गो फॉर नो कॉस्ट ईएमआई। अब अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई के लिए जा ही रहे हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कई बार लगता है हमारा ग्रेजुएशन तो बिल्कुल क्लियर है, हमें डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि हमारा 60% है 70% है, पर 10 में से 1-2 स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा देखा है कि उनको ग्रेजुएशन की डिग्री जहां से मिली थी उन्होंने एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, वो इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा था कि वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है, पर एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली था नहीं, या वो यूनिवर्सिटी कहीं बाहर की थी, वो इवेंचुअली बाद में ब्लैकलिस्ट हो गई थी, क्योंकि 10-10 साल, 12-12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होता है। जिस तरीके की मेरे पास क्वेरीज भी आती है मैं भी देखती हूँ। तो अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई या लोन वगैरह जैसे है ना बाउंडेशन में जा रहे हैं, एक कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी यूजी डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर 12 डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मली क्लास 12 के लिए, मतलब जब आप यूजी प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती,
पर जब आप मास्टर्स के लिए जाते हो और आपको 8-10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंडर ग्रेजुएट वाली यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ क्या हुआ था। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब एक लास्ट पॉइंट और है, कई बार ना एडवांस होते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट को पता नहीं होते, तो आप ना एडवांस को क्लेम करना या एडवांस के बारे में डिस्कस करना मत भूलिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको फ्री में कोर्सेरा देती है, एडेक्स देती है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट हो गया, यूडमी के कुछ प्रोग्राम्स होंगे, ये सब भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है। सो होप ये वीडियो आपके लिए यू नो हेल्पफुल रही होगी। एंड एज ऑलवेज व्हाट्सएप में का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।